हाय दोस्तों, आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। उसका नाम है फोर स्ट्रोक साइकिल एंड टू स्ट्रोक साइकिल फर्क। उसमें क्या फर्क है ये आपको मालूम होना चाहिए। पहला ये देखो, फर्क देखते वक्त ये साइड में जो दिखाया है वो फोर स्ट्रोक साइकिल है, वो साइड में दिखाया है वो टू स्ट्रोक साइकिल है। नंबर वन, फोर स्ट्रोक है वॉल्स, फोर स्ट्रोक में वॉल्व रहता है, इनलेट एंड एग्जॉस्ट। टू स्ट्रोक में पोर्ट्स रहता है। सेकंड वन, कैमशाफ्ट ओपन्स एंड क्लोजेस वॉल्व्स इन करेक्ट टाइम्स। ये जो फोर स्ट्रोक साइकिल में जो इनलेट एंड एग्जॉस्ट जो वाल्व रहता है वह कैमशाफ्ट द्वारा इन टाइम में बराबर समय में वह खुल जाता है और बंद हो जाता है। इसमें यहां दिखाया है द मूवमेंट्स ऑफ पिस्टन ओपन्स एंड क्लोजेस द पार्ट्स। जो पिस्टन टू स्ट्रोक साइकिल में वाल्व तो नहीं रहता है लेकिन पोर्ट रहता है, और पोर्ट पिस्टन द्वारा इनलेट वाल्व, ट्रांसफर पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट्स ये जो भी है वह बंद होता है और खुल जाता है। और खोल पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी जाता है और टीडीसी से बीडीसी आता है तभी वो खुल जाता है। थर्ड वन पॉइंट है हाई एफिशिएंसी एंड लो एफिशिएंसी। फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन में ज्यादा कार्यक्षमता मिलता है और टू स्ट्रोक साइकिल इंजन में कम कार्यक्षमता होता है। फोर्थ वन, वन पावर स्ट्रोक कंप्लीट्स आफ्टर टू रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट एंड वन पावर स्ट्रोक कंप्लीट्स आफ्टर वन रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ये दोनों में ये फर्क दिखाया है, क्रैंकशाफ्ट के दो फेरे में एक पावर मिलता है फोर स्ट्रोक में, और टू स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट के एक फेरे में पावर स्ट्रोक होता है। फिफ्थ वन, मोर नंबर ऑफ पार्ट्स लेस नंबर ऑफ पार्ट्स। यहां जो फिफ्थ वन में यह लिखा है कि फोर स्ट्रोक साइकिल में ज्यादा पार्ट्स होता है और टू स्ट्रोक साइकिल में कम पार्ट्स होता है। सिक्स वन इस छठवा जो पॉइंट दिया है, सेपरेट लुब्रिकेशन सिस्टम, नो सेपरेट लुब्रिकेशन सिस्टम। फोर स्ट्रोक साइकिल में लुब्रिकेशन सिस्टम अलग से दिया है, अलग यानी सेपरेट दिया है, और लेकिन यहां टू स्ट्रोक साइकिल में लुब्रिकेशन सिस्टम अलग दिया नहीं है। सातवा जो पॉइंट है, लुब्रिकेशन ऑयल इज अ पोर्ड इन ऑयल सम एंड लुब्रिकेशन ऑयल इज अ मिक्स विथ फ्यूल। मेन थिंग ये फोर स्ट्रोक साइकिल में इंजन ऑयल जो है ऑयल सम के अंदर डाला जाता है, और वहां से जो ऑयल इन ऑयल पंप द्वारा जहां जहां घर्षण होता है, जहां जहां पार्ट्स घूमते रहता है, उसको हर एक पार्ट्स को ऑयल वहां तक प्रोवाइड करना पड़ता है यानी पहुंचाना पड़ता है। ओके, नहीं तो घर्षण से क्या होने वाला है, पार्ट्स उसका घर्षण ज्यादा हो जाएगा और पार्ट्स गिर जाएगा। इसमें वैसे अलग से लुब्रिकेशन सिस्टम कुछ किया नहीं है, यहां टू स्ट्रोक में ऐसे किया है, पेट्रोल टैंक के अंदर जो पेट्रोल डालता है उसमें ही ऑयल डाला जाता है। अब उसका रेशियो ऐसा रहता है, 1 लीटर अगर पेट्रोल रहेगा तो 20 ml 20 मिली उसमें टूटी ऑयल डालता है, ध्यान रखो। और वह जो ऑयल है फिर लुब्रिकेशन कैसे होता है, जब भी क्रैंकेस के अंदर जो निर्वात पुगली तैयार होता है यानी वैक्यूम तैयार होता है,
उसके वजह से जो कार्बोरेटर से हवा और पेट्रोल इनका मिश्रण आता है, जब ये वैक्यूम की वजह से, तब उसके साथ कुछ ड्रॉप भी ऑयल का सब कह जाता है वो क्रैंकेस के ऊपर आता है, और क्रैंकेस के वजह से या आने के बाद क्रैंकशाफ्ट जो रहता है, क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है, रोटेट घूमता है, उसके वजह से वो स्लैश होता है ऑयल और पिस्टन को दिया जाता है घर्षण कम करने के लिए। ध्यान में रखो। नेक्स्ट आठवां जो पॉइंट है, हेवी इन वेट एंड लाइट इन वेट। जो फोर टॉक साइकिल में मैकेनिज्म ज्यादा रहता है उसके वजह से वो हेवी रहता है, और लेकिन टू स्ट्रोक साइकिल में मैकेनिज्म कम रहता है इसलिए वह हल्का रहता है। एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर और इनएक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, इसका मीनिंग ऐसा होता है फोर टॉक साइकिल बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए वो थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है कंपेरेटिवली टू स्ट्रोक साइकिल में मैकेनिज्म कम रहता है, इसलिए एक्सपेंस इनएक्सपेंसिव तो मैन्युफैक्चर है इसलिए खर्चा कम होता है। टेंथ वन है वाटर कूल्ड एयर कूल्ड। अभी वाटर कूल्ड इसका मीनिंग होता है एक कूलिंग सिस्टम जो है अलग ही दे दिया है, क्योंकि इंजन ज्यादा गर्म होता है, हेवी इंजन है, कॉम्प्लिकेटेड इंजन है, फ्रिक्शन ज्यादा, घर्षण ज्यादा होता है, वो कम करने के लिए अलग ही देना पड़ता है इसलिए वो अलग दिया है। लेकिन इसमें यहाँ ठंडा करने के लिए अलग दिया है, लेकिन यहाँ एयर कूल्ड है। एयर कूल्ड इसलिए दिया है कि इंजन छोटा है और जो भी हीट कम रहता है कंपैरेटिवली फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन, तो उसके यहाँ क्या किया है, तो सिलेंडर के ऊपर फिन्स डिजाइन किया है, और उसकी वजह से जब गाड़ी चलते रहता है तो फिन्स ठंडा होता है, फिन्स की वजह से सिलेंडर ठंडा होता है, हीट रेडिएट हो जाता है। नेक्स्ट वन पॉइंट, क्रैंकेस वेंटिलेशन अरेंजमेंट एंड क्रैंकेस एयर टाइट। फोर टू साइकिल में वेंटिलेशन सिस्टम रहते हैं, क्योंकि जला जो भी इंजन ऑयल सम के अंदर और ऑयल चैम्बर के अंदर जो गैसेस रहता है, इंजन ऑयल गर्म होता है उसके वजह से कुछ थोड़ा बहुत जो गैसेस तैयार होता है वह गैसेस बाहर चलना चाहिए, जाना चाहिए उसके वजह से, और बाहर का अच्छा एयर हवा अंदर आना चाहिए इसलिए वेंटिलेशन सिस्टम की जरूरत है। लेकिन टू स्ट्रोक साइकिल में वह क्रैंकेस एयर टाइट है, क्योंकि वहां क्रैंकेस के अंदर ही जब ये वैक्यूम क्रिएट होता है और इंटेक पोर्ट वहां ही रहता है, तो इंटेक पोर्ट के द्वारा कार्बोरेटर से हवा और पेट्रोल इनका मिश्रण क्रैंकेस में आता है इसलिए क्रैंकेस एयर टाइट रखा जाता है। नेक्स्ट वो इंजन वाइब्रेशन मोर, इंजन वाइब्रेशन लेस। इसमें इंजन थोड़ा वाइब्रेट ज्यादा होता है और ज्यादा हिलता है, और इसमें हिलना कम होता है, इसका वाइब्रेशन कंपन इसका कम होता है, छोटा इंजन है, स्मूथ चलता है, फोर स्ट्रोक साइकिल में ज्यादा भी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली ये फोर स्ट्रोक साइकिल से साइकिल का जो इंजन है उससे वाइब्रेशन कम होता है। अगर आपको अच्छा तरह से समझ में आया है दोनों का फर्क, तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, भूलो मत। धन्यवाद।